नमस्कार, फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। कोयला तस्करी को लेकर ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी से 1.5 घंटे सीबीआई ने की पूछताछ। कोयला तस्करी के मुख्य आरोपी अनूप से संबंध पर उठाए सवाल। बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले सीबीआई पूछताछ को लेकर सियासी घमासान। पूछताछ से पहले अभिषेक के घर पहुंची मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, सीबीआई की कार्रवाई को बताया सियासी साजिश। मथुरा महापंचायत में मोदी सरकार पर बरसी प्रियंका गांधी, कहां पुरानी सरकार की बनी चीजों को बेच रही है सरकार, कसा तंज, कहीं गोवर्धन पर्वत भी बेच न दे सरकार। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का जारी है आंदोलन, टिकरी बॉर्डर को खाली करने का पुलिस ने दिया अल्टीमेटम, किसान आंदोलन के नेताओं ने जताया विरोध। टूलकिट केस में पर्यावरण एक्टिविस्ट दिशा रवि को मिली जमानत, 1 लाख के बॉन्ड पर पटियाला हाउस कोर्ट ने दी जमानत, दिल्ली पुलिस की कस्टडी आगे बढ़ाने की मांग ठुकराई। गुजरात निकाय चुनाव में भाजपा की बंपर जीत, नगर निगम में भाजपा का दबदबा बरकरार, सूरत में आम आदमी पार्टी का खुला खाता, कांग्रेस के बुरे हाल। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद अलर्ट पर सरकार, अमरावती में लॉकडाउन, नागपुर में 7 मार्च तक बंद किए स्कूल कॉलेज, मुंबई में मास्क नहीं लगाने वालों पर लगाया जा रहा है जुर्माना। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच हाई प्रोफाइल शादी में उड़ी कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां, कर्नाटक से महाराष्ट्र आने वालों के कोविड टेस्ट को किया अनिवार्य। महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश आने वालों की होगी थर्मल स्क्रीनिंग, सीमा से सटे राज्यों में खास सतर्कता बरतने के निर्देश, आयोजनों में शामिल होने वालों के आरटीपीसीआर टेस्ट पर भी चर्चा। महाराष्ट्र से सटे बालाघाट में कलेक्टर ने लगाया नाइट कर्फ्यू, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक आवागमन रहेगा प्रतिबंधित, जिले में धारा 144 भी लागू। भोपाल में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद धरने और प्रदर्शन पर लगी रोक, नए सार्वजनिक आयोजनों को अब नहीं मिलेगी परमिशन, मास्क को लेकर चलेगा चेकिंग अभियान, 100 रुपए का लगेगा जुर्माना। कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद रद्द किया गया होशंगाबाद के पचमढ़ी में लगने वाला शिवरात्रि मेला, मेले में महाराष्ट्र से बड़ी संख्या में आए थे श्रद्धालु। मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने विधायकों और विधानसभा कर्मचारियों के कोरोना वैक्सीनेशन की कही बात, कहा लगातार लोगों के संपर्क में आते हैं विधायक, मुख्यमंत्री से अलग नीति बनाने की मांग। भोपाल और इंदौर में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की लोगों से मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की अपील। मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधायक नीलय डागा पर आईटी विभाग का शिकंजा, अब तक 450 करोड़ से ज्यादा की आय का खुलासा, करोड़ों की नकदी हुई बरामद, शेल कंपनियों ने निवेश कर कमाई अकूत दौलत। इंदौर में दर्दनाक सड़क हादसे में 6 की मौत, पार्टी करके लौट रहे दोस्तों से भरी कार टैंकर में घुसी, ओवरटेक करने की कोशिश में हुआ हादसा, घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। भोपाल में शराब के नशे में नगर निगम के अफसर की गुंडागर्दी, सड़क किनारे खड़े पिता पुत्र को मारी टक्कर, मामले के तूल पकड़ने के बाद जांच के दिए गए आदेश। गिरावट के बाद शेयर बाजार में दिखाई दी मामूली तेजी, सेंसेक्स और निफ्टी में मामूली बढ़त। किसान आंदोलन पर बोले बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र, बहुत दुखी हूँ आप नहीं जानते हमने केंद्र सरकार में किस किस से क्या क्या कहा, अपील की लेकिन बात नहीं बनी, दुआ करता हूँ कि कोई हल जल्द ही निकल आएगा। 5 फिल्मों की रिलीज डेट अनाउंस, शर्मन जोशी की फौजी कॉलिंग 12 मार्च को, जॉन अब्राहम की मुंबई सागा 19 मार्च को, अमिताभ बच्चन की चेहरे 30 अप्रैल को, सैफ अली खान की भूत पुलिस 10 सितंबर को और आयुष्मान खुराना की अनेक 17 सितंबर को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। ये थे फटाफट बुलेटिन और ताजा अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, यानी कि विजिट कीजिए webdunia.com।